घमेरी नामक एक गांव में खुशी लाल नाम का एक किसान रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, सलोनी और दिव्या। सलोनी जितनी सुंदर और गुणवान थी, दिव्या उतनी ही कुरूप और घमंडी। पूरे गांव में सब सलोनी को ही पसंद करते थे, लेकिन दिव्या के कुरूप होने के कारण कोई भी गांव वाला उसे पसंद नहीं करता था। एक गांव का दूध वाला, जिसका नाम गबरू था, अपनी साइकिल पर गाना गाता आ रहा था। अरे अरे गबरू चला रे अपनी साइकिलिया पे, गाँव गाँव घर घर दूध बांटने चला रे, ओहो। तभी उसकी साइकिल खुशी लाल के घर के बाहर आकर रुक गई और गबरू जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे कोई है? अरे दूध वाला गबरू आया है भाई, अरे बाहर आओ। अरे ओ सलोनी, जल्दी से बाहर आ। अरे 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 धत तेरे की, ये क्या देख लिया गबरू? ए छी 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 छी, सुबह सुबह पूरा फ्रेश मूड खराब हो गया भैया। हाय 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 हाय, इस काली कलूटी को जो देख लिया। अरे अरे अरे, कितनी बार कहा है तुमसे दूध लेने तुम बताया करो, है? लेकिन तुम हो कि अपना ये बदसूरत चेहरा उठा के मेरे सामने आ जाती हो। तभी वहाँ पर बहुत ही सुंदर दिखने वाली सलोनी आती है। अरे क्या हुआ गबरू भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? अरे अरे क्या कहा भैया? अरे अरे मैं तुम्हारा भैया थोड़ा ही लगता हूँ है? छी 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 छी, लेकिन सलोनी जी आज आप क्यों नहीं आई दूध लेने है? बल्कि आपकी ये काली बहन आई, जिसे देखकर मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। हाँ अगर आपको पहले देखता तो मेरा पूरा दिन बन जाता भैया। आखिर कितनी स्मार्ट जो है आप। ये सब तेरे ही कारण होता है, तू ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तेरे इतने सुंदर होने की वजह से मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। और देखो तो सही, इस कद्दू जैसे गबरू को, खुद तो 2 इंच का भी नहीं है, और कैसे मेरे काले रंग के कारण मुझे बदसूरत बोल रहा है। अरे खुद को कभी देखा है आईने में? आया बड़ा मुझे बदसूरत कहने वाला, चल जाए यहाँ से। अरे अरे तो ठीक है ठीक है, अकड़ते क्यों है भाई? जा रहा हूँ यहाँ से है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरी प्यारी बहन हो, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत प्यारी हो, न जाने तुम क्यों ऐसा सोचती हो। तभी दिव्या और सलोनी के पिता खुशी लाल वहाँ आते हैं। अरे उठ गई मेरी दोनों प्यारी बिटिया, क्या बात है दिव्या बेटी, आज तो तुम भी जल्दी उठ गई, वरना तो रोज तुमसे पहले तो सलोनी बेटी ही उठा करती है। क्या कहना चाहते हैं पिताजी, आज जल्दी उठ गई मतलब? यही कहना चाहते हैं कि मैं रोज कितनी देर तक सोती हूँ, और आपकी प्यारी सलोनी बिटिया कितनी अच्छी है जो रोज सुबह जल्दी उठ जाया करती है। आखिर इस सलोनी की ही तो तारीफ करते हो, ये इतनी सुंदर जो है, मैं इतनी कुरूप जो हूँ। जिसके बाद दिव्या वहाँ से चली जाती है। अरे नहीं नहीं बेटा है? तुम ऐसा क्यों समझती हो? मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं सलोनी से करता हूँ, लेकिन जाने क्यों तुम ऐसा सोचती हो। अरे पिताजी आप चिंता मत कीजिए, दिव्या तो बस ऐसे ही बोलती है, दिल की बहुत अच्छी है मेरी बहन, आप चिंता मत कीजिए, देखिएगा एक दिन दिव्या दीदी ऐसी बातें करना बंद कर देंगी। अच्छा अच्छा पिताजी, आप गांव के बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए लाला की दुकान से गर्मा गर्म समोसे लेते आना, आज बहुत दिल कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है बिटिया, ले आऊंगा तेरे लिए समोसे। अच्छा अब मैं चलता हूँ है। थोड़ी देर बाद खुशी लाल समोसे और जलेबियां लेकर आता है। अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों, दिव्या और सलोनी? अरे जरा देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए बाजार से समोसे और जलेबियां लेकर आया हूँ भाई। अरे देखो देखो बाहर तो आओ जरा। अरे पिताजी आप आ गए? अरे वाह कितने सारे समोसे और जलेबियां लेकर आए हैं, वाह वाह मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ ये समोसे और जलेबियाँ भी पिताजी तेरे लिए ही लाए होंगे, आखिर तू पिताजी की इतनी सुंदर बेटी है ना, जा जा तू ही खा ले सलोनी ये गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ। अरे नहीं सलोनी बिटिया, ये समोसे और जलेबियाँ तो मैं तुम दोनों के लिए ही लाया हूँ, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो बेटी? तुम भी मुझे उसी तरह प्यारी हो जिस तरह सलोनी,